तो जैसे कि कल हम आपसे बोले थे कि कल क्विज होने वाला है इस चैनल पर, और ये समय अब आ चुका है, 7 बजे का टाइमिंग था, लेकिन हम काफ़ी लेट हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर क्विज कराकर ही रहेंगे। तो सारे कैंडिडेट से हाथ जोड़कर विनती है कि इस क्विज में पार्टिसिपेट करें और अपना परफॉर्मेंस देखें, यहाँ पर कितना आपका स्कोर हो रहा है, 30 में कितना राइट आंसर आपका यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये जो क्विज कराया जा रहा है परीक्षा ऐप की तरफ से कराया जा रहा है, और परीक्षा ऐप की टीम यहाँ पर आपका कॉमेंट बॉक्स को निरीक्षेगी, यानी कि आपका रिव्यू करेगी, कमेंट बॉक्स को देखेगी अच्छे तरीके से, कौन से बच्चे यहाँ पर बेस्ट आंसर देते हैं, किनका 25+ जाता है, किनका 30 में कितना स्कोर आता है, किनका 30 में 30 होता है। कल आपसे हम ये भी बोले थे कि हम एक बच्चे को चुनेंगे और पेटीएम कैश उनको अपने तरफ से हम देंगे, अब ये कितना देंगे, अब ये जो बच्चा 30 में 30, देखते हैं कौन करता है। यहाँ पर हम भी यहाँ पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि किस बच्चे में दम है कि यहाँ पर 30 में 30 राइट करेगा। तो शुरू करते हैं, और आप ये वीडियो को करना क्या है कि लिंक के थ्रू शेयर करिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका भी आने वाले, क्योंकि ये जो पैटर्न है यहाँ पर, जो लेवल रखे हैं आपका एयरफोर्स के एग्जाम से काफ़ी मिलता जुलता लेवल है, तो इग्नोर करिएगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, हमको कुछ नहीं है यहाँ पर, देख देख सकते हैं कि मेरा कुछ नहीं लेंगे आप लोग, ठीक। 10 मिनट यहाँ पर टाइम दीजिए और अपना यहाँ पर देखिए क्या आपका स्कोर हो रहा है। तो शुरू करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या आपका रैंक आता है, देखते हैं हम भी। तो गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर वन वर्ड से आपका शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जू, मॉर्चुअरी, हॉस्पिटल, एवियरी। आपको यहाँ पर आंसर देना है कि फर्स्ट का ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा हम फास्ट बोलेंगे, और पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ताकि आप लोग कॉपी पेन लेकर भी राइट आंसर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होता है यहाँ पर वीडियो देखकर आंसर देने में। तो देखिए, किलिंग्स ऑन ब्रदर, सुसाइड, मेट्रीसाइड, फेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड। किलिंग्स ऑन ब्रदर, सुसाइड, मेट्रीसाइड, फेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से सही होगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाकर आंसर दीजिएगा। तीसरा देखिए, ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, नर्सरी, एपियरी, एवियरी या एक्वेरियम होगा, यानी कि कौन सा सही होगा आपको बताना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर आपको चलते हैं, फिल इन द यहाँ पर करेक्ट वर्ब, आपको एक करेक्ट वर्ब का यूज करना है यहाँ पर, यानी कि भरना है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो रक्षित है चौथा क्वेश्चन का, रक्षित, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान, टू बी ए डॉक्टर, आपको आंसर देना है। ए में है वांट, बी में वांट, सी में है इज वांटिंग, डी में है वांटेड। रक्षित, खाली स्थान, टू बी ए डॉक्टर, वांट्स, वांट यानी कि वांट, वांट्स, इज वांटिंग, वांटेड। ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होगा कॉमेंट में बोल दीजिएगा। पाँचवा कर है कि द रेन, खाली स्थान, वेन राम केम आउट, ए में है स्टॉप्स, बी में स्टॉप है, सी में स्टॉप्ड है और डी में हैज स्टॉप्ड है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेन, खाली स्थान, वेन राम केम आउट, ए ऑप्शन स्टॉप्स, बी में है स्टॉप, सी में है स्टॉपेड और डी में है हैड स्टॉपेड। तो 5 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये कमेंट बॉक्स में आपको बोलना है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वी, वी खाली स्थान है इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, ए में है हैड स्टडीड, बी में है आई एम स्टडिंग, सी में स्टडी है और डी में आपका हैव बीन स्टडिंग है। तो आपको बताना है, जल्दी जल्दी देखिए, इसीलिए बोलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है, शॉर्ट रहेगा तो जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आते हैं, ठीक। तो चलिए, यहाँ पर छठा भी हो गया आपको, अब आपको यहाँ पर भरना है, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन, देख रहे हैं ईजी एकदम। वी, खाली स्थान, इंग्लिश फॉर 5 ईयर, हैड स्टडी, आई एम स्टडिंग, स्टडी, हैव बीन स्टडी। 7वां क्वेश्चन करे कि ही, खाली स्थान है आउट 5 मिनट्स ए गो, हैज गोन होगा, हैड गोन होगा, सी में वेंट है, डी में गोज है। ही, फिल इन द ब्लैंक्स है, आउट 5 मिनट्स ए गो, हैज गोन, हैड गोन, वेंट है और गोज है। तो 7 का क्या होगा वो आपको बताना है। 8वां नंबर देखिए, 8वां कह रहा है कि इट स्टार्टेड टू रेन विल, वी, खाली स्थान, टेनिस, ए ऑप्शन है वेयर प्लेइंग, बी है प्लेइंग, सी है आपका हैव बीन प्लेइंग, डी है वेयर प्लेइंग, ठीक है। तो 8वां का क्या होगा आंसर ए बी सी डी में से आपको बता देना है कि इट स्टार्टेड टू रेन विल बी टेनिस। अब देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आई सा हिम, खाली स्थान,
इन अ गार्डन सिट सिटिंग हैड सिट हैड सिट सॉरी आपका वाज सिटिंग आई सा हिम खाली स्थान इज ए गार्डन तो सीट होगा या सिटिंग होगा या हैड सीट होगा या अवाज सिटिंग होगा ये आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अवाज की तरफ हम बढ़ते हैं आई नो हिम सिंपल क्वेश्चन है कोई भी बता देगा आई नो हिम तो ए का जो ऑप्शन कह रहा है कि ही इज नो बाई मी बी कह रहा है कि ही इज नो टू मी सी कह रहा है कि ही हैज बीन नो बाई मी और डी कह रहा है कि ही हैज सॉरी ही वाज नो टू मी ठीक। नौ नंबर सॉरी आपका दसवां नंबर भी हो चुका है अब चलिए ग्यारह नंबर में कह रहा है क्या यहाँ पर यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो ए ऑप्शन है दिस वर्क विल बी फिनिश्ड बाय टुमारो बी कह रहा है कि दिस वर्क विल फिनिश टुमारो सी कह रहा है कि दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो और डी कह रहा है कि दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश टुमारो अब आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है ठीक। चलिए बारह में द गर्ल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है ए सॉन्ग वाज सिंगिंग बाय द गर्ल बी कह रहा है ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय द गर्ल और सी कह रहा है ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय द गर्ल और डी कह रहा है कि ए सॉन्ग हैज बीन संग बाई द गर्ल अब 12 का क्या राइट होगा आंसर ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पीच ही सैड 13 कह रहा है कि ही सैड टू हिज सर्वेंट वाई आर यू सो लेजी टूडे कह रहा है कि वाई आर यू सो लेजी टूडे ही सैड टू हिज सर्वेंट वाई आर यू सो लेजी टूडे यहाँ पर ऑप्शन है चारों देख लीजिए ए बी सी डी में कौन होगा ए कह रहा है कि ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही वाज सो लेजी डैट डे बी कह रहा है कि ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही हैड बीन सो लेजी डैट डे और सी कह रहा है कि ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही वाज बीइंग टू लेजी डैट डे और डी कह रहा है कि ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही सो लेजी डैट डे ओके तो डी कोई आपका एक आंसर यहाँ पर ए बी सी डी में से होगा आपको बताना है ठीक है कमेंट में। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच श्वेता सैड आई एम बी जी इन्वर्टेड कामा वहाँ पर छूट गया है एक तरफ से ठीक तो श्वेता सेड आई एम बी जी तो ए ऑप्शन कह रहा है कि श्वेता सेड टू सी वाज बी जी बी कह रहा है कि श्वेता टोल्ड आई एम बी जी सी कह रहा है कि श्वेता सेड आई एम बी जी श्वेता सेड डैट सी वाज बी जी डी कह रहा है कि श्वेता सेड डैट सी वाज बी जी अब आपको इसमें से कोई कौन सा आंसर राइट होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट कह रहा है कि चेंज द वॉइस ठीक इट इज टाइम द बेल रिंग्स ए ऑप्शन है इट इज टाइम द बेल रिंग्स बी कह रहा है कि इट इज बीइंग टाइम टू रिंग द बेल सी कह रहा है इट इज टाइम फॉर द बेल टू रिंग और डी कह रहा है कि इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग अब आपको बताना है कौन सा होगा ओके तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गिवन द प्लुरल ऑफ गिवन वर्ड क्राई क्राई का प्लुरल क्या होगा क्राइज होगा क्राई होगा क्राइड होगा चारों में से कौन होगा सिंपल है आपको बता देना है। अब देखिए 17 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द साइनो यानी कि आपको यहाँ पर साइनो को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होगा ऑब्जेक्ट का साइनो क्या होगा यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है ए में है डी ने बी में चैलेंज है सी में आपका डिसअप्रूव है और आपका यानी कि तीन ही ऑप्शन यहाँ पर दी है डी ने है चैलेंज है डिसअप्रूव है तो आपको बताना है कि क्या होगा ठीक। 18 नंबर देखिए आइडेंटिफाई द एंटो यहाँ पर साइनो एंटो से दो क्वेश्चन है यहाँ पर तो एक यहाँ पर देखिए एंटो को बताने कि यहाँ पर कौन सा आपका लाउडेशन का एंटो होगा ठीक लाउडेशन का एंटो क्या होगा सिंप्लीफिकेशन होगा पैसिव होगा आपका क्रिटिजम होगा रिडक्शन होगा क्या होगा आपको आंसर देना है ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए ए मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी ए मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी उसको क्या बोलते हैं ठीक यहाँ पर आपको अब बताना है निम्फ ठीक एक्सट्रैम्पोर ठीक और यहाँ पर देखिए सर्ज है उसके बाद देखिए एक्स्ट्रावेजेंट है यानी कि चारों में से कौन सा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वन हु नो मेनी लंग यानी कि वन हु नो मेनी लैंग्वेज तो क्या बोलते हैं उसको
पोलोगेमी, पॉपुलर, पोलोग्लोट, पेंसी, क्या उसको बोलते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर बताना है, काफ़ी सिंपल है यहाँ पर, आप लोग देखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, 21 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई सेल प्रोसीड, खाली स्थान हीम है, अगेंस्ट होगा, टू होगा, ऑन होगा या फोर होगा, अब चारों में से कौन होगा ये आपको बताना है। आई सेल प्रोसीड, खाली स्थान हीम, अगेंस्ट, टू, ऑन, फोर, क्या होगा, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड, मेडिसिन, मेडिसिन, अब देखिए मेडिसिन, चारों मेडिसिन है यहाँ पर, मेडिसिन, अब यहाँ पर मेडिसिन में कोई में ई छूटा है तो कोई में कुछ आई छूटा है तो कोई में अलग अलग है, ठीक है, चारों में डिफरेंट है तो देखकर अपना चुन लीजिएगा कि सही कौन सा है यहाँ पर। अब देखिए 23 कह रहे कि आई प्रेफर टी, खाली स्थान कॉफ़ी, ठीक, आई प्रेफर टी, खाली स्थान कॉफ़ी, देन होगा, टू होगा, फोर होगा, विथ होगा, क्या होगा आपको बताना है। चौथा देखिए, चूज द एंटो, ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेटिव एक्यूट का यहाँ पर एंटो बता दीजिएगा क्या होगा, शार्प होगा, डल होगा, क्रिटिकल होगा, एक्यूज होगा, एक्यूट का यहाँ पर एंटो क्या होगा आपको बताना है, शार्प, डल, क्रिटिकल, एक्यूज में से कौन होगा। चूज द साइनो, यहाँ फिर से देखिए यहाँ पर पूछा गया है कॉन्डेंस का, ठीक है, कॉन्डेंस का यहाँ पर साइनो पूछा है, यहाँ पर क्या होगा तो आपको यहाँ पर बताना है, लेंथन होगा आपका या एक्सपैंड होगा, इंटरप्रेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल यहाँ पर भरना है, गो अप, खाली स्थान स्टेयर्स, द, एन, अ, नॉन ऑफ दीज, ठीक। 27 कह रहा है, कितना मिनट, 11 मिनट हो गया, देखिए भाई 27, देखिए आपको फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, ग्लूमी होगा, ग्लू यानी कि ग्लूमी आइड होगा, या ग्लूम होगा, ग्लूमर होगा, आपको बताना है ये कौन सा होगा यहाँ पर एडजेक्टिव, ग्लूमी, ग्लूमी आर्ड, ग्लूम होगा, ग्लूमर होगा, ठीक। अब देखिए 28 का, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब, सीता खाली स्थान, ए स्वीट सॉन्ग, सिंग होगा, सिंग्स होगा, सिंगिंग होगा या सैंग होगा, आपको बताना है। 29 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर कमीशन में कौन सा यहाँ पर स्पेल्ड वर्ड है चूज करना है, ठीक। अब चलिए 30 कर रहे हैं कि चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूस द ओरिजिनल सेंटेंस, PQRS वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, सो हम यहाँ पर रखे हैं लास्ट, आपको बताना है, सजा कर बता दीजिएगा, देख लीजिए। इट्स होल्डिंग ए लॉन्ग क्रूक रोड इन हिज हैंड, क्यू कर रहा है कि एंड, ए गर्ली वेटिंग फॉर ए बाइट, आर में दे सैट, एस में कह रहा है कि इन ए हैवी फ्लैट बोटोम्ड बोट, ठीक। आपको PQRS वाला बताना है कि क्या होगा यहाँ पर, ठीक। और एक चीज़ बता दें, अगर हम गलती से कहीं पर भी कोई वर्ड में कोई मिस्टेक किए होंगे तो इसके लिए हम आपसे सॉरी चाहेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में हम वीडियो शूट करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, अगर कोई वर्ड में हम गलती से मिस्टेक हो गया होगा तो उसको लेकर ज़्यादा आप लोग पैनिक मत बनिएगा, यानी कि ज़्यादा कमेंट बॉक्स में सुझाव मत देने लगिएगा कि यहाँ पर आपका ये हो गया है, आपको बस यहाँ पर फोकस करना है कि 30 में मेरा कितना सही हो रहा है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा।